हेलो फ्रेंड्स, सब सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इम्पोर्टेंट वीडियो में, आज आपके इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स का आज जो है एग्ज़ामिनेशन, जो है मेन एग्ज़ामिनेशन, जैसा कि आप सभी का फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन 2024 का क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स का, वो था आप सभी का हिंदी का। हिंदी के पेपर के बाद आज आप सभी का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, वो है आप सभी का इंग्लिश का। जब इंग्लिश के पेपर में पहले आप सभी कैंडिडेट आज आप सभी जा रहे हैं पेपर देने, तो उससे पहले कि ये वीडियो बहुत ही ख़ास है आप सभी के लिए, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट आज पेपर देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, और आज आप सभी का इंग्लिश का पेपर है, तो आप सभी कैंडिडेट्स को हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जी हां फ्रेंड, आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो प्लीज़ कुछ मेन पॉइंट्स जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसको ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड आगे बढ़ें उससे पहले, चैनल अभी अपडेट पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे और इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर देंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके बाद बहुत ही कम टाइम बचा है आप सभी के पेपर में एंट्री करने से पहले, तो बट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपका इंग्लिश का पेपर ओवर होगा माय डियर फ्रेंड्स, सीधे आपको हमारे चैनल पे आ जाना है और आप अपने क्वेश्चन पेपर को, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें पीडीएफ के फॉर्म में, हमें दिए गए वेबसाइट जो जीमेल आईडी मैंने आपको दिया है aditya_commerce100@gmail.com पे पीडीएफ के फॉर्म में अपने क्वेश्चन पेपर आप हमें सेंड कर दीजिएगा। जैसे कि ही आप सभी के पेपर का सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन पेपर होगा, आप हमें अगर आप सेंड कर देते हो, उसके बाद हम आप सभी के साथ सॉल्यूशन को डिस्कशन करेंगे। एवरी क्वेश्चन पेपर जो भी आप सेट हो, कोई भी सेट हो, सेट वन आपका हो पेपर का, टू हो या फिर थ्री हो, कोई भी सीरीज हो, डोंट वरी, यू हैव ऑल द सेट सॉल्यूशन आर बी गिवन टू हियर। ओके, तो आप सभी को सिर्फ aditya_commerce100@gmail.com पे अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कर देना है, उसके बाद हमारी टीम आपके सभी के साथ आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कैंडिडेट आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप सभी ने देखा होगा हिंदी का पेपर थोड़ा लेंदी था, सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर को लेकर, तो इंग्लिश का भी पेपर जो होगा वो थोड़ा सा आप सभी का लेंदी होगा। लेंदी पेपर होने की वजह से आप सभी को प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो आपने डिसाइड किया होगा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप उसके बाद ही आप पेपर में आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आंसर्स को, अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने हिंदी के पेपर के बाद हमसे कहा, पर्सनली मैसेज करके कहा कि सर हम लोग हिंदी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस को उन्होंने छूट गए, मतलब लास्ट के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी टेक्निक्स बनाई थी उसके अकॉर्डिंग उनके मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेट्स के छूट गए थे हिंदी के पेपर में। तो आप सभी को बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप सभी क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिसको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको लिखना होगा इंग्लिश के पेपर में, उसको आपको वर्ड लिमिट ऊपर आपको लिखी होगी, एट मीन्स 50 to 60 वर्ड्स या फिर 20 to 30 वर्ड्स। तो आप कोशिश करेंगे जो वर्ड लिमिट, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अपने आंसर्स को आपको प्रेजेंट करने के, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे मार्क्स एग्जामिनर में मिलेगा भी आपको एग्जाम में, और साथ साथ आप सभी का टाइम भी सेव हो सकता है। और मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आप सभी जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट बेस से करिएगा, ये तो आप सभी जानते ही हो, बट एक बात और ध्यान रखिए, आपको जो राइटिंग स्किल है, जो राइटिंग स्किल में आपका कोई अगर नोटिस आ गया, अगर आपका रिपोर्ट राइटिंग आ गया या फिर आर्टिकल आ गया, आपको लेटर आ गया, तो प्रॉपर फॉर्मेट, जी प्रॉपर फॉर्मेट आपने तो देखा होगा क्योंकि मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ बहुत कम टाइम बचा, आप सभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन में एंट्री करने से पहले आप सभी एक बार थोड़ा फॉर्मेट जरूर देख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन का, अपने राइटिंग स्किल्स का, यानी कि आपके नोटिस तो आपको मालूम ही होगा, राइटिंग लेटर राइटिंग का हो गया, आर्टिकल का हो गया, रिपोर्ट राइटिंग का हो गया, लेटर एडिटर वाले को लेटर का हो गया,
राइटर एडिटर वाले, क्योंकि ये सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली राइटिंग स्किल्स में आपके। तो ध्यान रखिएगा प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप बनाते हो तो सीबीएसई आपको पूरे के पूरे मार्क्स आप सभी को स्टेप मार्किंग के बेसिस पे भी आपको मार्क अलॉट किया जाता है आप सभी के लिए। तो स्टेप मार्किंग आपको हो और मार्क्स मिले हर एक स्टेप पे आपके, इसलिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा। तो फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स से क्योर कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे चैनल अभी अपडेट पे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। और फिर से मैं कह दूँ माय डियर फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट ने आपका जैसे ही पेपर ओवर होगा माय डियर, अपने आप क्वेश्चन पेपर को हमें इस दिए गए जीमेल आईडी पे हमें सेंड कर दीजिएगा, जैसे आपके पेपर को भी हम सॉल्व करा पाएँ। ओके माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ इसको सभी पर शेयर कर दिए। फिर मिलेंगे माय डियर फ्रेंड आप सभी के पेपर के बाद। सो टुडेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एट द लास्ट ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर द टुडेज एग्जामिनेशन। थैंक यू।